दोस्तों द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम आपको उन लोगों से मिलवा रहे हैं जो 25 सालों से डेरा सच्चा सौदा में आ रहे हैं। ये हमारे साथ उषा जी हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। उषा जी द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आप 25 सालों से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा में। हाँ बेटे, हमने तो यासो विद्या पूरी दिखी है। पिताजी की रहमत पर भाई शराब पिया करता घर वाला, शराब भी छोड़ गया और परिवार में भी सुख शांति बढ़िया है। पिताजी की दया है, पिताजी के वचन हो रहे खुले पंजाब ब्लॉक में। अपनी तो पिताजी की पूरी रहमत बरसी। अब आपके घर के शराब पीते हैं? नहीं पीते। किसकी वजह से छोड़ा उन्होंने? पिताजी की रहमत पर छोड़ी, वही खुशी। कोई आपसे पैसा लिया गया शराब छोड़ने? नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, रहमत पिताजी। आप आते हो आश्रम में? हाँ। रात को भी रुकते हो? हाँ, खुली सेवा खूब ला के गए हैं भाई। कैसा माहौल लगता है? डॉक्टरों ने सारे हर जगह जवाब दे दिया था भैया। बीत ली इसकी थैली में कैंसर बता दी थी, वह मेरी पिताजी की रहमत है। वह भी साफ है, कैंसर ठीक है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, किसी चीज़ की भी परेशानी? रिपोर्टें भी आपके? हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ है। जो आपकी आस्था गुरुजी के ऊपर है, लेकिन जो उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके बारे में क्या लगता है? बेटा ये गलत आरोप दुनिया से वार्ता में बिकी हुई है। मालूम है अपने पिताजी के विचार बड़े अच्छे हैं। जो मीडिया में दिखाया जा रहा था ये सब झूठी चला रखी है अफवाह बेचे। सच क्या है? सच तो पिताजी के वचनों पर अहमत है बेचे। आप जो भी बोले अपनी मर्जी से बोले? मर्जी से बेचे, कोई जबरदस्ती नहीं किसी चीज़ की। क्या जरूरत है समाज को गुरुजी की? जरूर है। गुरुजी ने किया क्या है समाज के लिए? बेटे सब की मैं करने लायक रहा, गरीब की मदद करने लायक रहा। पिताजी की रहमत वर्षा है, यहीं की औकात थी मारी आने की। शराब में चिक्कड़ में गंदे में घिंचे हुए थे, ये भी पिताजी की नॉलेज पर चले हुए हैं। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से ये मांग करेंगे मेरे पिताजी बाहर आने चाहिए भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो मांगे सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के लिए समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। करोड़ों लोगों का शराब बंद करवाना, नशे से दूर करवाना, कैंसर तक बीमारियां इनकी खत्म हुई हैं। इनकी आस्था आज भी बरकरार है गुरु जी के ऊपर। लगातार ये लोग अपील कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि संत जी समाज में आने चाहिए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइप। बहुत बहुत धन्यवाद।